हे गाइस, वेलकम टू निधिज़ डायरी। मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं निधि डायरी को। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सा टिप बता रही हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप कैसे उससे दूर रह सकते हो, कैसे छुटकारा पा सकते हो। कुछ सिंपल स्टेप्स है जो आप करिए तो आपको फ़ायदा होगा। या आप लड़के हैं या लड़कियाँ, दोनों इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं एंड आपके स्किन से जो ऑयल का सिक्रीशन है वो थोड़ा कम सकता है। एंड सबसे पहले आप कर दीजिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। एंड फिलहाल मैं वीडियो पे चलती हूँ, बताती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ताज़ा घर का दही। दही हमें 1 से 1.5 चम्मच लेना है। एंड साथ में ही हमें जितना दही लिया है हमने उसका जस्ट हाफ हनी लिया है, यानी कि अगर आप 1 चम्मच ले रहे हो तो आपको आधा चम्मच हनी लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है, तो उस हिसाब से मैंने आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हनी लिया है। अच्छे से मिक्स करना है इन सब चीज़ों को। और साथ में ही यहाँ पे हमने नींबू का रस लिया है, जो कि 1/4 नींबू का रस है। करीबन आधा चम्मच छोटे चम्मच से हमने यहाँ पे नींबू का रस मिलाया है। इसको अच्छे से डाल के हमें अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है बराबर से। एंड उसके बाद आपको अपने फेस पे लगाना है। मैं यहाँ पे आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से। ये जो बेसिकली फेस पैक के तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एवरी डे इसको आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं एज अ फेस वॉश। तो आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए, पर डे ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना ही होना है। आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे ऑयली से नॉर्मल की तरफ जाएगी। बट हाँ, नॉर्मल जो आपका नॉर्मली जो आपका बाय बर्थ आपका जो स्किन टोन है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा, ऑयली है तो ऑयली ही रहेगा, लेकिन ऑयली में भी अगर बहुत ऑयली है तो कम जाएगा। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कीजिए एंड इस तरह से मसाज कीजिए अपने चेहरे पे। मैंने यहाँ पे एज अ फेस वॉश बताया आपको, आप इसे एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऑयली स्किन है तो कुछ चीज़ों का खासा ध्यान रखिए। आप अपना फेस जो है दिन भर में कम से कम 3 बार फेस धोइए, एंड केमिकल से रहित जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ कीजिए। खासकर ज़्यादातर होममेड चीज़ों का यूज़ कीजिए, पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए एंड स्किन को हमेशा क्लीन रखिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन क्लीन रहेगी तभी आपका स्किन जो है ऑयल कम निकालेगा। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए।